कच्चे आम की कई सारी रेसिपी आपने बनाई होगी। आज मैं आपके लिए दो ऐसी मज़ेदार और बहुत बहुत टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको देखने के बाद आप तुरंत इसे बनाना चाहेंगे। और एक बार आप इसे बना लिए ना, तो रोज़ के खाने का मज़ा कई गुना बढ़ जाएगा। दोनों रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग मसाला। मैं रश्मि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली रेसिपी बनाएंगे, उसके लिए हम लेंगे दो कच्चे आम। आम एकदम खट्टे वाले लेंगे ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि कम खट्टा हो तो नहीं बनेगा, लेकिन जितना ज़्यादा खट्टा हो आम, उतना अच्छा बनेगा रेसिपी। तो यहाँ मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है आम को। तो ये पहली वाली रेसिपी के लिए लगभग दो आम लिए हैं मैंने। अब इसे एक पैन में डाल देंगे। अब इसको डालने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे एक कप पानी। कोई घी या तेल नहीं डालना है। पानी डालने के बाद इसे मिला लीजिए, और इतना पानी डालना है कि आम उसमें डूब जाए। पानी इतना डालना है कि बढ़िया से कुक हो जाए। तो चलिए ढक देते हैं और फ्लेम को कम कर देते हैं, ताकि अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं जो आम के टुकड़े थे वो काफ़ी अच्छे से मैश होने लगे हैं, एकदम स्मूथ सा होने लगा है, देखिए। तो जब इस तरीके से हो जाए, तब हम गैस के फ्लेम को बंद करेंगे और इसको हमें ठंडा होने देना होगा। इसमें जो पानी है इसको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इस चटनी में हम इस पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने लिया है एक मिक्सिंग बोल, और इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे। आप यहाँ पे आटा छानने वाले भी छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें ये पल्प डालना होगा। इस आम के पल्प को हम छानेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पीस भी सकते हैं, लेकिन पीसने के बाद भी आपको छानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं। या फिर आम की गुठलियों के साइड में जो हार्ड पोर्शन रहते हैं ना, वो भी कभी कभी आ जाते हैं, तो इस वजह से हमें इसको छान के लेना है। तो ये देख सकते हैं, हमने इसको छान लिया है। ये इतने स्मूथ हो जाते हैं ना, कि आसानी से छलनी में मैश हो जाते हैं। ये देखिए, और नीचे आपको एकदम स्मूथ सा प्यूरी मिलेगा, एकदम बारीक सा और एकदम स्मूथ सा, ये देखिए। तो इसमें जो पानी का इस्तेमाल हमने किया था वो भी इसी में आ गया है, ताकि हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं हुई है। अगर आप इस आम को थोड़ा सा पका कर भी चाहें तो पीस सकते हैं, जिससे कि इसका जो खट्टा टेस्ट है ना, वो ज़्यादा कम नहीं होगा। अब चलिए हम चटनी को तैयार करेंगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आम ऑलरेडी पके हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने वापस से उसी पैन में डाल दिया है। कोई भी घी या तेल ऐड नहीं करना है, और इसको हम थोड़ी देर मिला लेंगे ताकि ये गर्म हो जाए। तो गैस का फ्लेम हमने यहाँ पे हल्का सा हाई किया है, यानी मीडियम से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, ताकि ये जो पल्प है ना, हल्का सा गर्म हो जाए, तब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो जैसे ही पल्प हमारा गर्म हो गया, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी काला नमक लगभग 1/3 चम्मच। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबल स्पून के आसपास देसी गुड़। आप चाहें तो यहाँ पे 3 टेबल स्पून चीनी और 3 टेबल स्पून गुड़ डाल के भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ गुड़ का यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा नमक डाल देंगे 1/3 चम्मच। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो गुड़ है वो बढ़िया से आम के पल्प के साथ मेल्ट हो जाए। ये देखिए, तो अब हम फ्लेम को कम करेंगे और इसे धीरे धीरे मिलाते जाएंगे। ये देखिए, इसमें पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, और याद रखिए बहुत ही धीमी आंच पर इसे मिलाना है। तो देख सकते हैं गुड़ अच्छा से पिघलना शुरू हो गया है। तो हमें इसमें कोई फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप 1 पिंच रेड कलर डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कोई भी फूड कलर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये देखिए इसका कलर, ये बिना फूड कलर डाले ही इतना प्यारा कलर आया है। केवल मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली थी, उसी से कलर बहुत अच्छा आ गया है। मैं यहाँ पे फूड कलर नहीं डाल रही हूँ। बिल्कुल इमली की चटनी की तरह लाल दिखेगा, और ये बहुत ही चटपटे लगते हैं, और ये बहुत ही टेस्टी। अच्छी तरीके से मिला लीजिए। अब इसमें 1 से 2 उबाल आने देंगे, ताकि हमारी जो चटनी हो बढ़िया से कुक हो जाए। तो ये देखिए, जो हमारी चटनी है इसमें बबल्स आने लगे हैं, यानी हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। अब इससे ज़्यादा पकाएंगे तो चटनी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी मेलन सीड। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, मैंने 1 छोटी चम्मच डाला है। और इसको डालेंगे ना, तो चटनी का लुक बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो काजू वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ मेलन सीड डाले हैं। अब इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। और ये लीजिए, एकदम लाल, मज़ेदार और एकदम टेस्टी सी हमारी आम की चटनी तैयार है। देख के कोई कह ही नहीं सकता है कि ये आम से बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इमली से बनी हुई है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और आसान भी है इसे बनाना। बिना घी और तेल के बनके तैयार हो गई है। ना ही आपको कोई चीज़ पीसने की ज़रूरत है। और इसका टेक्सचर देखिए, ठंडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से गाढ़ा है। ये देखिए,
आप इसे किसी भी स्नैक्स के साथ, डोसे के साथ या फिर पराठे के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। चलिए मैं आपको दूसरी रेसिपी भी बनाना बता देती हूँ, यानी जो दूसरी तरीके की रेसिपी है ना, वो भी बहुत सिंपल, ईजी और बहुत टेस्टी है। तो कैसी लगी आपको ये वाली रेसिपी, हमें ज़रूर से कॉमेंट में लिख के बताइएगा। यहाँ पे हमें जो दूसरी तरीके की रेसिपी बनानी है, तो हमने थोड़े से आम को लंबे लंबे पतले पतले टुकड़े में काट लिया है, और इसमें भी मैं खट्टे वाले आम का ही इस्तेमाल करूँगी। इस रेसिपी के साथ इसकी जो गुठलियाँ है ना, वो भी यूज करेंगे। अगर आपको गुठली नहीं चाहिए तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे एक पैन में, आप यहाँ पे पैन की जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, इसमें एक चम्मच के आसपास कुकिंग ऑयल डालेंगे या फिर घी भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से साबुत मसाले, आधे छोटे चम्मच जीरा, आधे छोटे चम्मच मंगरेला, आधे छोटे चम्मच मेथी दाना, आधे छोटे चम्मच अजवाइन, आधे छोटे चम्मच सरसों दाने यानी राई, आप यहाँ पे आधे छोटे चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं। ये सारे मसाले मैंने सेम क्वांटिटी में ली है, और ये साबुत मसाले डालने से आपकी चटनी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। मसालों को तेल में डाल देंगे और इनको हम थोड़ी देर मिलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे लौंग भी ये डाल सकते हैं, 2 से 3। अब इन सारे मसालों को तेल में मिक्स करके बढ़िया से पकाएंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। एक चुटकी हींग डाल देंगे, और हींग तभी डालना है जब साबुत मसाले बढ़िया से भून जाए। हींग डालने के साथ ही हम डाल देंगे इसमें आम के टुकड़े, और इनको बढ़िया से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। चलिए इसको पकने देते हैं बढ़िया से। अब इसको ढक के 5 मिनट धीमी आंच पे कुक करेंगे। तो देख सकते हैं 5 मिनट बाद हमारा आम लगभग 80% सॉफ्ट हो चुका है। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर लगभग 1 छोटी चम्मच के आसपास। अब मैंने लिया है काला नमक आधी छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप गुड़। ये वाली चटनी भी मैं सिर्फ गुड़ से बनाऊंगी। आप यहाँ पे चाहें तो चीनी और गुड़ दोनों ले सकते हैं, या फिर चाहें तो यहाँ पे केवल चीनी के साथ भी बना सकते हैं। गुड़ डालने के साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी भी, ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसमें लगभग 4 टेबल स्पून पानी मैं ऐड की हूँ, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और पानी डालते ही ये जो गुड़ है वो अच्छे से पिघल जाएगा, और चटनी की जो कंसिस्टेंसी है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस चटनी में अगर आप थोड़ा सा कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, बट मैं इस चटनी में भी कलर ऐड नहीं करूँगी। तो चलिए गुड़ को मेल्ट होने देते हैं 2-3 मिनट के लिए, ढक देते हैं। ये देखिए, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और आम भी बढ़िया से कुक हो गया है। लेकिन ये जो चटनी है वो अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हुई है, तो हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अगर आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे कलर के लिए, या फिर फूड कलर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे अदरक का पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर ताजे अदरक को भी कूट के डाल सकते हैं। इसे ढक के 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। और ये देखिए, आम की चटनी बहुत ही अच्छी से गाढ़ी हो गई है, बढ़िया से आम भी कुक हो गया है, और एकदम चटपटा सा इसका टेस्ट भी हो गया है। खुशबू भी इसकी बहुत बहुत अच्छी आ रही है। चलिए अब गैस के फ्लेम को हम बंद करेंगे, और आम की चटनी को हम ठंडा होने देंगे। ये बढ़िया से तैयार भी हो गया है, और इसका टेक्सचर भी मज़ेदार सा हो गया है। अगर आपको चटनी की ग्रेवी थोड़ी पतली पसंद है, तो थोड़ा सा पानी डाल के आप और पका सकते हैं। और ये लीजिए, कच्चे आम की चटपटी खट्टी मीठी सी चटनी हमारी तैयार है। ये दूसरी तरीके की चटनी भी बहुत मज़ेदार लगती है, जो स्पेशली आलू के पराठे, सत्तू वाले पराठे के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। तो कैसी लगी रेसिपी, हमें ज़रूर से कॉमेंट करके बताइएगा। और दोनों में से सबसे अच्छी कौन सी चटनी आपको लगी, कॉमेंट में बताइएगा। लाल वाली चटनी को आप 15-20 दिन तक फ्रिज में रख के चला सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने ढेर सारे फ्रेंड को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।